मैं जा रही हूँ एक नए जगह पे, एक नए ट्रैवल व्लॉग लाने के लिए आप लोगों के लिए। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ। वैसे अभी क्या कितना टाइम हुआ है, इट्स ऑलमोस्ट 5:30, इतना भी सुबह नहीं है। तो यस, हम जा रहे हैं ओडिशा। वी आर गोइंग टू ओडिशा टू एक्सप्लोर ओडिशा, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग भी अगर ओडिशा जाओगे तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। सो चलिए, ऑन दैट नोट मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। तैयार तो ऑलमोस्ट हो ही गई हूँ, ये आई एम ऑलमोस्ट रेडी। और ये मेरा ड्रोन इज़ रेडी, माई बैग इज़ रेडी, माई चश्मा इज़ रेडी, एवरीथिंग इज़ रेडी। एंड ऑन दैट नोट चलो फटाफट चाय पी लेती हूँ। आप लोगों को मालूम ही है कि मुझे जाने से पहले एक कप चाय तो बहुत ज़रूरी है, तो फटाफट चाय पी लेती हूँ और फिर हम चलते हैं, कैब बुलाते हैं या जाते हैं एयरपोर्ट। बट हाँ, दिस टाइम देर विल बी अगेन छोटू मोटू थोड़ा बहुत रोड ट्रिप तो दिखेगा आप लोगों को। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय टिल वी रीच द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुँच के वापस आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है? सो ऑन दैट नोट बाय। तो ये हम पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट और अभी बज रहा है घड़ी में 7:05। तो हम जाते हैं अंदर, सारा फॉर्मेलिटी ख़त्म करते हैं। देखो मुंबई का हाल देखो, एयरपोर्ट पे सुबह सुबह अभी भी कितना भीड़ है। जैसे बोलते हैं ना कि मुंबई कभी सोता नहीं है, वैसा ही हाल है। तो एनीवे जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म एंड अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द गेट। और उससे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं क्या खाती हूँ, अगर दिखाने लायक होगा तो। एट लास्ट हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है and we are walking towards the aircraft. ये आप लोगों को दिखाना ही था क्योंकि जिंदगी में पहली बार I was the first one to board the flight. Woohoo, I'm so excited. Okay, तो हमारा बोर्डिंग हो गया है और वी आर नाउ रेडी टू टेक ऑफ। बहुत धीरे बात कर रही हूँ, बहुत लोग हैं, बहुत सब लोग बात कर रहे हैं, सो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं। सो वी आर टेकिंग ऑफ अबाउट 10 मिनट्स बिफोर टाइम and hopefully touch down at Bhubaneswar by 11. So see you once we are at Bhubaneswar. Makers, globetrotters and board leaders, so please set in and while we make your journey safe and comfortable as a child. In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist, inflate by... और फाइनली सब ताम झाम हो गया एंड वी आर नाउ रेडी फॉर टेक ऑफ। ये देखो हमारे पहले एक फ्लाइट है, उसके बाद इट्स आवर टर्न। सो बाय बाय मुंबई, टेक केयर अंटिल आई कम बैक। टू आवर्स लेटर। लास्ट वी आर एट भुवनेश्वर। लगा नहीं कि आज पहुँचेंगे। 2 आवर्स का फ्लाइट, 2 आवर्स 20 मिनट्स थैंक्स टू इंडिगो इतने लागे एंड देन वी शैल हेड टूवर्ड्स हमारा गाड़ी टू मूव टूवर्ड्स पुरी, भुवनेश्वर एयरपोर्ट। वेलकम टू ओडिशा। तो ये हम आ गए हैं बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर और हम वेट कर रहे हैं अपना जूम कार के लिए। एज यूजुअल एंड ऑलवेज लेट लेट लेट। अभी बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आएंगे, तो चलिए चलते हैं। अगर गाड़ी एक बारी आ गई तो हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और फिर आपको बताएंगे हम किधर जा रहे हैं। सो लेट्स वेट फॉर द कार। ओके, तो हमको मिल गई है हमारी जूम और अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स थाउली। वैसे तो हम जाएंगे पूरी, बट पूरी जाने से पहले एन रूट जो जो आएगा हम जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे। और ये देखिए गाड़ी में कौन है, गन्नू है विद शिवा और इधर हनुमान जी भी है। तो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स थाउली। सो धावली फ्रॉम एयरपोर्ट, भुवनेश्वर एयरपोर्ट से धावली इज जस्ट 11 किलोमीटर्स और इधर दिखा रहे गूगल मैप में दैट इट विल टेक अस 23 मिनट्स। तो चलिए, तो ये हम जा रहे हैं अभी भुवनेश्वर के रास्ते से। हम ऑलमोस्ट धावली पहुंच गए हैं, जस्ट मैटर ऑफ 0.3 किलोमीटर्स और वहां पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं। दैट इज द धावली में है शांति स्तूपा, बुद्धा का जो शांति स्तूपा है वो धावली में है और उधर जाके आप लोगों को स्तूपा दिखा के देन आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट, नॉट मे बी नॉट इन डिटेल बट थोड़ा आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगी अगर आप लोगों को नहीं पता है अबाउट शांति स्तूपा और द पीस पगोडा जैसे बोलते हैं।
तो यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, तो इस टाइम पे तो नहीं, ऑफ कोर्स शाम को हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम लोग तो चले जाएंगे पूरी। तो इनकेस आप लोग को देखना है, आप लोग भुवनेश्वर में रह के शाम को आके लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। और अभी इधर टू गो टू द स्तूपा हमको देना पड़ा 40 रुपीज। ओके, तो चलिए हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ जाते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। सो लेट्स फर्स्ट क्लाइम द स्टेप्स। हम इंडियंस कभी क्लीन तो रख नहीं सकते, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ये वो दुनिया भर का रखा हुआ है। कीप शूज हियर। तो पहुँच तो गए हम स्तूपा, बट द स्तूपा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो है एक शिव जी का मंदिर, और बाप रे बाप रे बाप, चारों तरफ से वो पांडा लोगों ने घेर लिया था हम लोगों को। माई गुडनेस, लेट मी वॉर्न यू ऑल, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो शांति स्तूपा देखने के लिए और ये मंदिर में आ गए, ये पांडा लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब चोर है, दे आर एक्चुअली चोर, तो प्लीज़ बीवेयर। हर चीज़ के लिए ये लोग पैसा मांग रहे, कुछ भी मत देना। मैंने एकदम से मना कर दिया क्योंकि मैंने पहले भी गूगल रिव्यू पे देखा था। मैंने जस्ट अंदर गई थी, अंदर जाके प्रणाम किया और बाहर आ गई और सबको थैंक यू बोल दिया, दैट्स इट। आप लोग उन लोगों के चुंगल में बिल्कुल भी मत पड़ना, मैं बता दे रही हूँ आपको, रिपीटेडली बोल रही हूँ। दे जस्ट वॉन्ट टू लूटोफाई पीपल। तो ये है द मंदिर, बहुत सुंदर है अनडाउटेडली, बट ये पांडा लोग बहुत खतरनाक है, तो इसीलिए इन लोगों के चुंगल में बिल्कुल भी मत पड़ना। सीधा जाइए मंदिर के अंदर, प्रणाम कीजिए, और फिर उसके पीछे ही है शांति स्तूपा। तो चलिए चलते हैं अंदर, पीछे जाके शांति स्तूपा का भी दर्शन करते हैं। सो लेट्स गो। तो ये हम पहुंच गए हैं शांति स्तूपा, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, ये धौलीगिरी हिल्स के ऊपर है, तो इसीलिए इसका नाम है शांति स्तूपा और द पीस पगोडा। और ये जो स्तूपा है ये डोम शेप का है, इसमें ऊपर जैसे आप लोगों ने देखा होगा देर आर 5 अम्ब्रेलाज जो कि द 5 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म उसमें डिपिक्ट होता है। और ये देखिए कितना सुंदर है, बुद्धा का जितने भी इधर स्टैचूज है दे आर ब्यूटिफुल। और ये जो स्टोन पैनल्स आपको दिख रहे हैं ये लॉर्ड बुद्धा का फुटप्रिंट्स और बोधी ट्री, द एंटायर डिस्क्रिप्शन इज हियर। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस। इतना शांति है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, जबकि इतना ज़्यादा भीड़ फिर भी बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे। सो दिस इज शांति स्तूपा, ज़रूर आइएगा। और यहाँ पे पांडा लोग दिमाग नहीं खाते, वो लोग इस तरफ आते भी नहीं है, सो दैट इज़ वन वेरी गुड पॉइंट। सो लेट्स इन्जॉय शांति स्तूपा, और यहाँ से देखिए पूरा भुवनेश्वर आपको दिखेगा। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, सच्ची में बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। बाय बाय शांति स्तूपा, सी यू सून। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आ रहे हो यहाँ पे टुवर्ड्स पुरी, तो ये है टोल प्लाजा, और यहाँ पे कितना टोल है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, क्रॉस कर लिया टोल और वी हैड टू पे 135 रुपीज वन वे। जो मैंने आप लोगों को बताया, तो ये देखिए दोनों तरफ सब पिपली का काम किया हुआ। These are all that you get. अगर आपको शॉपिंग करना है पिपली से तो आप कर सकते हो, मैं तो नहीं करूंगी, तो इसीलिए मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आई सिस पिपली। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, देखो बैग मिल रहा है, लैम्प शेड्स मिल रहा है, कारपेट मिल रहा है, फिर बेड कवर्स, बेड शीट्स,
और वो क्या बोलते हैं फैन, वो जो फैन कपड़े का फैन जो होता है वो मिल रहा है। सो दोनों तरफ ही बहुत सारे दुकान हैं और आप आके इधर से अगर आपको शॉपिंग करना है तो आप शॉपिंग कर सकते हो। और ऐसे बर्तन मिलता है, मेरे ख्याल से वो पूजा के लिए चाहिए होता होगा, तो बहुत बर्तन मिलता है पूरी में, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को ऐसे खरीदना है ना तो इधर बहुत मिलता है। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुँच रहे हैं टूवर्ड्स साक्षी गोपाल टेम्पल, और इसका एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताऊं। हम आ गए हैं साक्षी गोपाल टेम्पल, और कितना दिखा पाएंगे पता नहीं है, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है, मतलब नॉट द स्टोरी, हाँ द हिस्ट्री, मतलब यहाँ पे वो जो पंडित लोग होते हैं ना, वो लोग कूद पड़ते हैं पैसों के लिए, तो कितना दिखा पाएंगे पता नहीं है। मैं कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने का, तो अगर कर पाई तो आप लोगों को दिखाऊँगी, और नहीं तो बाद में ऑफकोर्स मैं आप लोगों को स्टोरी तो ज़रूर बताऊँगी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस प्लेस, दिस मंदिर क्यों इधर स्थापित हुआ था। तो ऐसा था कि एक बहुत ही गरीब लड़का था ये गांव में, और एक बहुत ही अमीर लड़की थी, दोनों में हो गया प्यार, और वो अमीर लड़की थी ये जो विलेज था, ये विलेज है, ये विलेज का जो हेड मैन है उनकी बेटी। तो ऑब्वियसली जो जनरली होता है, शादी नहीं होना था क्योंकि वो अमीर थी, वो बंदा गरीब था। एंड देन वन फाइन डे दे ऑल द एंटायर विलेज, सारे लोग गए थे काशी विश्वनाथ जी के उधर। वहाँ पे जाके ये जो विलेज का जो हेडमैन था, मुखिया, वो बीमार पड़ गए। तो सारे विलेज के जो लोग थे उनका दर्शन हो गया था, तो वो वापस आ गए विलेज में, कोई नहीं रहा उनके साथ। अरे अरे अरे, ये तो वो जा रहा है वंदे भारत ट्रेन, अरे वाह कितना सुंदर है ये ट्रेन, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने डाइवर्ट कर गई, आई वॉज सो एक्साइटेड सीइंग द ट्रेन। तो एनी वेज, तो जैसे मैं बोल रही थी, सो दे ऑल हैड बीन टू काशीनाथ, वहाँ पे जाके जब दर्शन हो गया, सब लोग वापस आ गए, बट जो मुखिया थे वो बीमार पड़ गया, और वो उधर उनको उधर रहना पड़ा, और उनके साथ ये जो लड़का था वो भी रह गया, और मुखिया जी का सेवा करके उनको एकदम ठीक करके दोनों गांव वापस आ रहे थे। मुखिया जी तब इतना खुश हो गए कि उन्होंने ये लड़के को प्रॉमिस किया कि मैं गांव जाके मेरी बेटी का शादी आपसे करवाऊंगा। बट जैसे ही वो गांव आए, वो अपने बात से मुकर गए, उन्होंने मना कर दिया शादी से। तो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा सैड हो गए, तो उन्होंने अपने मन ही मन में कृष्ण भगवान को याद करके बोला कि भगवान जी, अगर आपने देखा है जो हुआ था, आप आओगे और आप मेरे इधर विटनेस बन के खड़े रहोगे मेरे साथ। तो कृष्ण भगवान जी ने उनको दर्शन दिया और बोला कि ठीक है, मैं गोपाल के रूप में आऊँगा, और मैं ये गाँव वालों को ये बात का सबूत मैं दूंगा, पर मेरा भी एक शर्त है कि जब मैं आऊँ मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, तुम मेरे आगे चलोगे, तुम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे कि मैं आ रहा हूँ कि नहीं, अगर तुमने पीछे मुड़ा तो मैं उधर से गायब हो जाऊँगा। तो ठीक है, लड़का खुश हो गया, तो वो चला अपने गांव में सबको बताने के लिए क्या असलियत है। और उसको अचानक से गोपाल जी का आवाज़ सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, और जैसे बोलना वैसे ही तुरंत गोपाल जी वहाँ से गायब हो गए, और वो बन गए एक मूर्ति, गोपाल का मूर्ति बन गए। तो ये लड़का तो बहुत वापस दुखी हो गए कि हे भगवान, मैं क्या करूँ, वापस से मैं कहाँ से गोपाल जी को वापस लाऊँ, कृष्ण भगवान को वापस लाऊँ। तो कोई नहीं, वो वापस फिर भी वो गए गांव में, और गांव के सारे लोगों को इकट्ठे करके लेके आए, जहाँ पे वो गोपाल जी का मूर्ति बन गया था वहाँ पे लेके आए, और बताया कि ये देखो, ये है, ये भगवान है जो मेरे साथ आने वाले थे, पर ऐसा हुआ कि वो वापस वो एक मूर्ति बन गए, पर ये है मेरे साक्षी, मैंने जो किया है, और ये जो मुखिया जी ने जो बात बोले थे उनका साक्षी ये है गोपाल जी। तो इसके लिए ये नाम आया साक्षी गोपाल, क्योंकि गांव वालों ने ये लड़का का बात मान लिया, और उधर ये मंदिर का स्थापना हुआ। सो दिस इज द स्टोरी,
इट इज ब्यूटिफुल एंड जहाँ पे गोपाल वहाँ पे तो राधा होगा ही, तो इसलिए राधा कृष्णा दोनों ही हैं। और यहाँ के लोग अभी भी मानते हैं कि वो भगवान इधर रहते हैं और उन लोगों के देखते हैं, उन लोगों का बात सुनते हैं और मानते हैं। ये देखो बात करते करते हम पहुँच गए पूरी। तो आज मेरा व्लॉग यहीं था क्योंकि बहुत लंबा हो गया। कल हम आएंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ जहाँ पे मैं दिखाऊंगी हम लोग पूरी में क्या करने वाले। तो चलिए ऑन दैट नोट बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कि कैसा लगा, कौन सी जगह अच्छा लगा। एंड यस, सिंस वी आर इन पूरी, जय जगन्नाथ।